हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं और साथ साथ आपको दोस्तों आंसर करते हुए चलना होगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी कि पूछा क्या गया है, लेकिन उसमें आंसर आपको करना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का ये सेट होगा, क्योंकि इसमें सभी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। ऑलराइट गाइस, तो सभी लोग तैयार हो जाइए, हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट। सो आर यू रेडी गाइस? एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे और मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि आप सभी लोग तैयार हैं। तो हम शुरू करें फिर आज के मॉक टेस्ट का। बहुत अच्छे प्रश्न होने वाले हैं और सभी को साथ साथ में ध्यान से समझते हुए चलना है कि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तो उसका आंसर कैसे करें। ये चीज़ समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके इंग्लिश के पेपर में। दोस्तों, इन क्वेश्चंस का पहला एक पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, सो बहुत ध्यान से आपको देखना है। पहले नंबर पर ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, डॉक्टर वेस्ट मैथड इज ऑल्सो नोन एज। जो डॉक्टर वेस्ट मैथड है वो और किस नाम से जाना जाता है? अब आप इन चारों ऑप्शंस को देखिए और बताइए कि जो डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड है, डॉक्टर वेस्ट का मेथड है, वो और किस नाम से इनमें से जाना जाएगा। तो आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए और आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन जैसे दिया गया है प्ले मेथड, तो क्या इसको प्ले मेथड बोलेंगे? क्या आपको ऐसे लगता है? बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल मेथड? नहीं, ये भी नहीं होगा। रीडिंग मेथड? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या बचा? इंडक्टिव मेथड, यानी आगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि के नाम से हम इसको जानते हैं। किसको? डॉक्टर वेस्ट मेथड को हम एक और नाम से जानते हैं, वो होता है आगमन विधि। ठीक है, जो यानी बाहर से दूसरे देश से ली गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर आपको करेक्ट आर्टिकल फिल करना है। आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, वी डिसाइडेड टू स्टे एट डैश होटल इन द सेंटर ऑफ द टाउन। कहा गया है कि हमने निर्णय लिया है कि जो कस्बे के मध्य में जो होटल है, कस्बे के सेंटर में जो होटल है, हम उसी वाले होटल में रुकेंगे जो कस्बे के मध्य में है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि जब आप इतने अच्छे तरीके से बता रही है कि उसी होटल में रुकना है जो कस्बे के सेंटर में है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके लिए डेफिनेट है, आप इसको जानते हैं। ठीक है, इस होटल में आप पहले भी रुके हैं या फिर आप जानते हैं इसके बारे में। तो फिर यहाँ पर जब डेफिनेट आर्टिकल की बात हो जाए, जिसको हम जानते हैं पहले से, तो किस आर्टिकल का यूज़ करते हैं? ठीक है, तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल में। ठीक है, यानी जिसको हम, जो पहले से ही निश्चित है, पहले से ही डिसाइडेड है कि वहीं रुकना है, वहीं रुकना है। ठीक है, तो आपको पता चल गया यहाँ पर द का यूज़ क्यों हुआ, बहुत अच्छे से, क्योंकि हमें पता था कि कहाँ रुकना है, पहले ही डिसाइडेड था। ठीक है, और हम उसको जानते भी थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वर्ब। आपको वर्ब चुननी है यहाँ पर, सही सभी लोग आंसर करेंगे। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर करेगा। ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश पनिश्ड। यहाँ पर आपको इनमें से करेक्ट वर्ब का चुनाव करना होगा, वॉज वर्ब इज आर में से। देखते हैं कौन सही इसका आंसर करेगा। हरी अप गाइस, जल्दी से आंसर कीजिए। दोस्तों, जब भी कोई इस तरह का सेंटेंस आता है, आपको यहाँ पर वर्ब लगाने से पहले ही देखना होगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड यूज हुआ है जिसको हमने कहा क्या, ईच। ठीक है, यानी प्रत्येक, प्रत्येक लड़का और लड़की दंडित किए जाएंगे या पनिश्ड किया जाएगा उनको। ठीक है, तो प्रत्येक, प्रत्येक क्या होता है, एक वचन होता है, बहुवचन होता है, बताइए आप लोग। प्रत्येक की अगर हम बात करें तो दोस्तों प्रत्येक में आते तो सब है, लेकिन जो प्रत्येक शब्द है ये अपने आप में सिंगुलर है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर सिंगुलर के साथ यूज़ होने वाली वर्ब देखनी पड़ेगी, कौन सी हम यूज़ करेंगे। तो कौन है इनमें, वोज वर्ब इज आर।
इज आर का तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये पास्ट टेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें वाज और वर्ब में से चुनाव करना है, तो सिंगुलर के साथ वोज वर्ब का यूज़ हम करते हैं। हमने चुन लिया अपना आंसर, बहुत अच्छा दोस्तों, जिसने भी वोज आंसर किया है दैट्स वेरी गुड। अगला प्रश्न आ जाता है, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ इसमें लोग करते हैं क्योंकि उनको ग्रामर की स्पेलिंग में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। अब के बाद आपका कन्फ्यूज़र दूर हो जाने वाला है, कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए आपको ग्रामर की स्पेलिंग में खासकर। तो बताइए आप सभी लोग इसका आंसर कीजिए, विच वन इज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। देर आर 3 seconds फॉर यू टू आंसर गाइज, जल्दी से आंसर कीजिए सभी, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो ग्रामर की स्पेलिंग दोस्तों, पहला अगर देखें तो यहाँ ग्रामर गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर ई का यूज़ कर दिया गया है, देन ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत इसकी स्पेलिंग है। तो विच वन इज़ द करेक्ट, एक ही बचता है आपका, सीधा सीधा इसी पर आपका नज़र जाना चाहिए, GRAMMAR, यही स्पेलिंग होती है सही ग्रामर की, GRAMMAR। एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये बनता है। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसका समझ में आ गया आपको ग्रामर की स्पेलिंग आपको कैसे लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इन्वेंटेड बायलिंगुअल मेथड। बायलिंगुअल मेथड किसने इन्वेंट किया था ये आपको यहाँ पर बताना है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार आपके एग्जाम में, देन आंसर कीजिए सभी लोग। बिल्कुल सही, जिसने ऑप्शन नंबर सी बताया दोस्तों, बिल्कुल सही है, प्रोफेसर CJ Dodson, ओके, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, नया मेथड इनमें से किससे रिलेटेड है, जो नया मेथड दिया वो इनमें से किसने दिया, वो आपको यहाँ पर चुनना होगा। देन विच वन इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों जब मैंने आपको डॉक्टर वेस्ट मेथड बताया था तो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर वेस्ट मेथड को हम डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं, देन जिसके नाम में ही न्यू आ जाता है तो समझ जाइए कि न्यू मेथड इज़ रिलेटेड टू डॉक्टर वेस्ट। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर किया है। देन अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन चुनना है सही सही, देन क्वेश्चन को एक बार रीड करिए, आई केम डैश हिज रिक्वेस्ट, मैं उसके रिक्वेस्ट करने पर आया। तो अब बताइए इन चारों ऑप्शन में से विच वन इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग आंसर करेंगे दोस्तों, अगर यहाँ पर गलती हो जाती है तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एक बार गलती कर लेते हैं इसका मतलब ये है कि आप आगे अपने एग्जाम में कोई भी गलतियाँ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग आंसर करिए। सो बताइए कौन सी सही प्रीपोजिशन यहाँ पर आपको प्लेस्ड करनी होगी, ऑन, एट, ऑफ या फिर बाय, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें ऑफ और बाय तो देखते ही यहाँ से अलग हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब ऑन और एट की बारी होती है इनमें से हमें एक चुनना है कि विच वन इज़ द करेक्ट, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे एट कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, अगर एट के रूल्स देखें हम प्रीपोजिशन के, प्रीपोजिशन का मतलब ही यही होता है कि भाई नाउन और प्रोनाउन से पहले आने वाला शब्द, ठीक है, वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। जैसे यहाँ पर हिज है, तो हिज क्या है, प्रोनाउन है, हिज से पहले आने वाले शब्द को जो भी होगा चाहे वो इन चारों में से कोई भी, उसको प्रीपोजिशन बोलेंगे। प्रीपोजिशन का मतलब अब आपको समझ में आ गया, तो अब हम देखेंगे दोस्तों ऑन और एट का प्रयोग में से किसका करेंगे। दोस्तों जब ऑन की प्रयोग करने की बारी आती है तो ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है, या उसके ऊपर, जैसे भाई कि मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ तो मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। लेकिन जब एट की बात करें तो एट किस किस जगह यूज़ कर सकते हैं हम, तो एट का यूज़ हम करेंगे दोस्तों यदि कोई हमारे हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, हम उसकी रिक्वेस्ट पर जा रहे हैं, देन हम यूज़ करेंगे एट का। तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा वो होगा एट, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर जिसने एट आंसर किया है दिस इज़ राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ आपको करेक्ट आर्टिकल चुनना है, ही बिकेम डैश ग्रेट मैन। अब आपको बताइए ए एंड द में से कौन सा आर्टिकल यहाँ आएगा। मैंने आपको इन तीनों के
रूल्स मोटा मोटा आपको बता दिए थे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता आपके पेपर में, जितना आता है उसके हिसाब से मैंने आपको करवाया था। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर डेफिनिट है या फिर इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट है। लेकिन इनडेफिनिट में आपको ये देखना है कि कहीं यहाँ पर ए ई आई ओ यू का तो यूज़ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, डैश के बाद में आपको देखना होगा ये, तो क्या यहाँ पर ए ई आई ओ यू ऐसे किसी शब्द का यूज़ हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेगा, यहाँ पर एन भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, द तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिया, द यूज़ होता है डेफिनिट आर्टिकल के लिए, और एन यूज़ होता है जहाँ पर हम ए ई आई ओ यू जैसे शब्दों का या लेटर्स का प्रयोग जहाँ पर हो जाता है उनसे पहले। तो क्या बचता है, आर्टिकल ए, आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्रेट जब हम बोलते हैं तो जी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर ये ओल्ड मैन हो जाता, ही बिकेम एन ओल्ड मैन, ओल्ड हो जाता तो ओ से क्या क्या होता है, ओ क्या है, एक वोवेल है। तो वोवेल से पहले हमने आपको बताया था कि वोवेल से पहले हम हमेशा एन का यूज़ करेंगे, चाहे कुछ भी हो तो आपको वहाँ पर एन का यूज़ करना होगा। अब यहाँ पर आपको दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, इसको आपको रीअरेंज करना है और एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो चलिए सभी लोग इसको रीअरेंज करिए, कौन सा वर्ड इसमें पहले आएगा और कौन सा बाद में, सभी लोग जल्दी से आंसर करिए इसको देखकर। तो चलिए फ्रेंड्स मिलकर इसको अरेंज करें, ओके, देखते हैं कैसे होगा। देखिए सबसे पहले अगर देखिए, टुडे नेचर मैन इज़ प्लेइंग विद, इन्हें देखकर लग रहा है कि ये वर्ड शुरू में नहीं आएंगे। ठीक है, तो नेचर नेचर टुडे मैन इज़ प्लेइंग विद ऐसा नहीं हो सकता, तो हम ना ऑप्शन की हेल्प लेंगे ताकि सही से हो सके। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखेंगे क्या है, ए, ठीक है, ए देखते हैं क्या लिखा है, टुडे, देन सी, सी नंबर पर कौन है, मैन इज़, टूडे मैन इज, डी क्या हो जाता है, प्लेइंग विद बी यानी नेचर, टूडे मैन इज प्लेइंग विद नेचर। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सेट बैठ रहा है, पूरा सेंटेंस ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल सही हो, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम एक और पर ट्राई करते हैं कि क्या ये सही होगा। नेचर बी नंबर पे हमको क्या लगता था, हमें ये तो पता चल गया कि ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आएंगे शुरुआत में। ठीक है, तो इसको और चेक कर लेते हैं, बी यानी नेचर, ए टुडे, नेचर टुडे, मैन इज़ प्लेइंग विद, बिल्कुल गलत, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर हमने इसका मतलब श्योर हो गए हैं हम कि जो हमने ऑप्शन नंबर ए पर टिक किया दैट इज़ करेक्ट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे दोस्तों, आपको कंफर्म करना है, अगर एमसीक्यू आप कर रहे हैं दोस्तों, जब कंफर्म हो आप तभी टिक करें, क्योंकि आपको दोस्तों यहाँ पर एक एक वर्ड लिखने का सीधा सीधा आपको एक नंबर मिल रहा है। ठीक है, जितना मेहनत आप वेरी शॉर्ट में करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सोच विचार करने के बाद ही कि क्या मेरा बिल्कुल सही है आंसर, उसके बाद आप टिक करें। ओके, एमसीक्यू करने का यही सबसे बढ़िया तरीका है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता है, तो उसमें ना एलिमिनेशन मेथड का यूज़ किया कीजिए कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा कौन सा, ये वाला, तो उससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी करेक्ट होने की। ओके गाइस, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसको आप बाद के लिए छोड़ें, और बाद में जब आपके पास थोड़ा बहुत समय बचे उसमें बैठ के उसको सोचें, और अगर आ जाता है समझ में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता फिर तो आपको वहाँ पर तुक्का लगाना ही पड़ेगा। देन अगला क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, विच मेथड इज ए मिड वे बिटवीन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, इन दोनों मेथड्स के बीच में मिड वे का वर्क कौन करता है, कौन सा मेथड करता है, ये आपको बताना है दोस्तों। ट्रांसलेशन मेथड के और डायरेक्ट मेथड के बीच में जो मिड वे का वर्क करेगा वो होगा बायलिंगुअल मेथड। अब बायलिंगुअल मेथड क्यों होगा, क्योंकि बायलिंगुअल मेथड में आप क्या करते हैं, दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट उस लैंग्वेज का भी जो आप सीख रहे हैं और उसको ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश करते हैं, यानी दोनों का यूज़ कर लेते हैं। तो इस वजह से विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये होगा बायलिंगुअल मेथड। ठीक है, बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या होगा, बायलिंगुअल मेथड होगा। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम,
आप सभी लोग जानते होंगे, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसको देखा होगा, TLM की फुल फॉर्म आपको कई बार बता चुकी हूँ मैं भी। तो TLM की फुल फॉर्म आपको इन चारों में से ऑप्शन एक चुनना है और देखना है कि कौन सही सबसे पहले आंसर करेगा, क्योंकि मिलती जुलती दी गई है आपको तीनों फुल फॉर्म्स। ठीक है, देखते हैं कौन सही करेगा। तो जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। टी का मतलब होता है दोस्तों टीचिंग, ठीक है, टी से क्या बनेगा टीचिंग, आगे एल से लर्निंग और मटेरियल। किस में है ये टीचिंग लर्निंग मैटर, ये बिल्कुल नहीं होगा। टीचिंग लिसनिंग मैटर, तो वो लिसनिंग नहीं होता है, वो लर्निंग होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नन ऑफ दीज तो हम इसमें अभी नहीं कह सकते। देन थर्ड ऑप्शन क्या बचता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यही आपने टिक करना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल फुल फॉर्म होती है TLM की। ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। फिल द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पर फिर से आपको प्रीपोजिशन फिल करनी है और करेक्ट आपको बतानी है इनमें से कौन सी होगी। वी गोट डैश डिफ़िकल्टीज, डिफ़िकल्टी मतलब मुसीबत, बहुत सारी परेशानियों में हमारे ऊपर बहुत सारी परेशानी आ गई है, या हम बहुत सारी परेशानियों में हैं। ठीक है, मैं बहुत सारी परेशानी में हूँ, मेरी परेशानी को दूर करो। तो परेशानी में हूँ, में की साउंड इनमें से किसके साथ आएगी, किस प्रीपोजिशन के साथ आएगी, इनके साथ या एट के साथ या ओन के साथ या इनटू के साथ। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ इनटू का अगर यूज़ करें तो मैं बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ के अंदर हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना, डिफ़िकल्टीज़ के ऊपर हूँ या उस पर हूँ, डिफ़िकल्टीज़ पर हूँ, तो ऐसा नहीं, डिफ़िकल्टीज़ में हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत सारी परेशानियों में हूँ। ठीक है, तो इसका फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप बताइए सभी लोग। बिल्कुल सही, जिसने ऑप्शन नंबर ए किया है, आप सभी लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही अच्छा आपने आंसर किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, वॉट इज़ द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, आपने बताना है कि इनमें से दो सबसे प्रोडक्टिव स्किल कौन से हैं, लिसनिंग और रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, या लिसनिंग और स्पीकिंग, या रीडिंग और राइटिंग। इनमें से सबसे प्रोडक्टिव स्किल आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से आंसर कीजिएगा, विच वन इज़ द करेक्ट। दोस्तों बोलना और लिखना, ठीक है, सबसे प्रोडक्टिव स्किल होता है कि बोलना और उसको फिर लिखना, ये सबसे प्रोडक्टिव स्किल माना जाता है, देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन तो थोड़ा अलग पूछा गया है, लेकिन किया कुछ और गया है। यहाँ तो कहा है कि फिल इन द ब्लैंक द सुटेबल प्रोनाउन, आपको एक सेंटेंस दिया होगा, देन वहाँ पर प्रोनाउन के लिए आपको खाली जगह दी जाएगी और वहाँ आपको फिर प्रोनाउन फिल करना है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए क्या किया गया है, यहाँ पर प्रोनाउन दे दिए गए हैं और सेंटेंस देना यहाँ पर ये भूल गए हैं, या फिर गलत प्रिंट हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन आया है तो हम करेंगे और समझेंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे हैंडल करना होगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से पूछा जाएगा, जो यहाँ पर देखिए, जिसे मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ वूम को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, डैश डू यू वॉन्ट टू मीट। ठीक है, तो अब यहाँ से इन चारों प्रोनाउंस में से आपको चुनना होगा। तो देखिए कौन सा इसमें सही फिट होगा, आप वूम की बात करें, ठीक है, वूम का मतलब क्या होता है पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है दोस्तों किसको, कि वूम जो यू वांट टू मीट, तुम किसको मिलना चाहते थे। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में जब हमने वूम लगाया तो इसका मतलब बन गया तुम किसको मिलना चाहते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम वूम की जगह हम विच रखते, ठीक है, विच रखते तो फिर क्या होता कि तुम कौन से मिलना चाहते थे। ठीक है, तुम कौन कौन से मिलना चाहते थे, किस किस से मिलना चाहते थे, तो ये इतना सही नहीं हुआ। देन हु की बात करें, तुम कौन मिलना चाहते थे, तो ये भी बिल्कुल इसके साथ नहीं हुआ। देन वूज की अगर बात करें तो फिर क्या ये इसके साथ सही बैठेगा, चलिए इसको इसमें प्लेस्ड करके देखते हैं। ठीक है, वूज का मतलब होता है किसका, किसका तुम मिलना चाहते थे, तो क्या ये सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देन हम कौन सा इसमें ऑप्शन चुनेंगे, जो हमने पहले नंबर पर अगर बात करी थी, पहले नंबर पर हमने यहाँ पर वूम को प्लेस्ड किया था, देन यही इसके जगह पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इन चारों ऑप्शंस में से चुनना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, यहाँ आप देखेंगे, ठीक है, विच को अभी भूल जाइए, देन वही पहले वाला काम हमें करना है, डैश पैन डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें इनमें से कौन सा पेन पसंद है, तो आप ये बोलेंगे कौन सा, देन किसके साथ ये मैच होगा, विच, विच के साथ, तुम्हें कौन सा पेन पसंद है, देन
डैश इज योवर ब्रदर, इनमें से कौन तुम्हारा भाई है, ठीक है, कौन तुम्हारा भाई है, हु इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है, तो कौन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हु का, दैट इज करेक्ट। देन अगला क्वेश्चन है हुज बुक इज दिस, हुज को अभी भूले, तो बुक इज दिस, यह बुक किसकी है, ये हमें बोलना है, तो किसकी या किसका शब्द के लिए हम हुज का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से आप इनको फिल कर ले जाएंगे। ओके, यहाँ आपको ऐसे दिख करना था, यहाँ पर क्वेश्चन ही थोड़ा सा अलग दे दिया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज ए सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया, ठीक है, जो सेकेंड लैंग्वेज की तरह यूज़ की जाती है वो कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है या फिर रीजनल लैंग्वेज है, आपको बताना होगा। दोस्तों पहले नंबर पर तो यहाँ हिंदी ही आती है भारत में, लेकिन जब सेकेंड लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाता है। ओके, कि अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, बाय चांस उनको हिंदी समझ नहीं आती, तो देन हम वहाँ पर इंग्लिश यूज़ करते हैं उनके साथ अपना कन्वर्सेशन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ब्लूम द टीचिंग ऑब्जेक्टिव आर, तो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपको बताना है कि कोग्नेटिव ऑब्जेक्टिव, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव या अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, यानी संज्ञानात्मक उद्देश्य भी होते हैं, प्रभावी उद्देश्य भी होते हैं टीचिंग के, ठीक है, ये सभी क्या है, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सभी ऑब्जेक्टिव है, देन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबोव, ये सभी सही है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज नोन एज इवेल्युएशन अप्रोच, इवेल्युएशन अप्रोच के नाम से हम इनमें से किस अप्रोच को जानते हैं, ब्लूम्स अप्रोच या RCEM अप्रोच या मैगर्स अप्रोच या मिलर्स अप्रोच, आंसर कीजिए विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये सभी इनमें से किसका अप्रोच है, अगर इवेल्युएशन अप्रोच बात करेंगे तो किसका है इनमें से, ये आपको यहाँ पर चूज करना है। देन ऑप्शन नंबर ए जिसने भी बताया है बिल्कुल सही है आपका, ब्लूम्स अप्रोच, इवेल्युएशन अप्रोच जो होता है वो ब्लूम अप्रोच का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएट्री टीचिंग हैज़ द ऑब्जेक्टिव, पोएट्री टीचिंग के ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा है, ठीक है, पोएट्री टीचिंग के बारे में मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन करके समझाया था पोएट्री और पोर्स के बारे में, तो वहाँ मैंने इसके ऑब्जेक्टिव अलग से आपको बताए थे। देन जिसने भी वो क्लास ली है इंग्लिश की मैराथन क्लास जो मैंने आपके लिए थी, उसमें डिटेल्ड नोट्स में मैंने आपको ये चीज़ें समझाई थी, तो आप बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे अगर आपने वो क्लास ली है, ठीक है। चलिए देखते हैं, डेवलप एस्थेटिक सेंस, ट्रेन द इमोशन और एप्रिसिएशन एबिलिटी, इन तीनों को ही वो डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों को डेवलप करने के लिए ही हम पोएट्री यूज़ करते हैं, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव होते हैं, देन ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसी वजह से। अगला क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग आर अचीव्ड बाय, टीचिंग का ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सकता है किसकी मदद से, अप्रोच की, मेथड की, स्ट्रेटजी की या फिर मीडिया की, बताइए सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कंफ्यूजन करने वाला भी है कि आपको अप्रोच और मेथड में से कौन सा चुनना है, स्ट्रेटजी में से कौन सा चुनना है या मीडिया में से कौन सा चुनना है, चलिए बताइए टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है टीचिंग का, ठीक है, और किससे उसको अचीव किया जा सकता है टीचिंग का ऑब्जेक्टिव को, तो दोस्तों स्ट्रैटेजी बना करके हम टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी कैसी, कि हमें कौन सा मेथड अपनाना है, कौन सा अप्रोच अपनाना है, कौन सा मीडिया अपनाना है, ये सभी सोचना, इसकी प्लानिंग करना ही तो स्ट्रैटेजी कहलाता है, इसीलिए हम यहाँ पर स्ट्रैटेजी चुनेंगे, क्योंकि यूज़ तो हम अप्रोच और मेथड दोनों का करेंगे, मीडिया का भी करेंगे किसी ना किसी, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी बनाना कि किस समय पर हमें क्या यूज़ करना है, उसके हेल्प से हम टीचिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। सो द एप्रोप्रिएट आंसर इज स्ट्रेटेजी, बिल्कुल सही है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बायोलिंगुअल एंड ऑडोलिंगुअल मेथड आर यूज्ड इन टीचिंग, एज बायोलिंगुअल मेथड और ऑडोलिंगुअल मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, मदर टंग का यूज़ करते हैं, सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज या फिर नन ऑफ दीज, तो बायलैंगुअल की बात की गई है तो आप समझ जाइए दोस्तों कि यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है फर्स्ट लैंग्वेज को समझाने के लिए।
ओके बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज एन इंग्लिश, बताइए स्ट्रक्चरल अप्रोच किसे कहा जाता है इसमें से। आपको जल्दी से ऑप्शन करना है, आपके पास 3 सेकंड का समय है, आप ए बी सी डी इस तरीके से करके बता सकते हैं। तो दोस्तों स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात की गई है, तो यानी अप्रोच पूछा गया है, लेकिन मेथड ऑफ टीचिंग ये मेथड से रिलेटेड है, हमको अप्रोच देखना है। देन ऑप्शन नंबर बी में देखें तो अप्रोच ऑफ टीचिंग, तो बिल्कुल यही सही होगा, इसमें अप्रोच की ही बात की गई है। स्ट्रक्चरल अप्रोच इंग्लिश का क्या है, अप्रोच ऑफ टीचिंग है, देन यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अप्रोच ऑफ टीचिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने आंसर किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडियो एंड विजुअल सेंस ऑफ द लर्नर्स आर फैसिलिटेटेड बाय, किसके थ्रू फैसिलिटेट किया जा सकता है लर्नर्स की सेंस को, विजुअल ऑडियो विजुअल सेंस को, तो क्या एजुकेशन रेडियो के थ्रू या फिर रेडियो के थ्रू। दोस्तों आपकी विजुअल सेंस नहीं बढ़ाई जा सकती, ऑडियो सेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अगर एजुकेशनल टेलीविज़न की बात करें तो एजुकेशनल टेलीविज़न से आप जानेंगे दोस्तों, उसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और वही बात इसमें की गई है कि ऑडियो और विजुअल दोनों सेंस को फैसिलिटेट कौन करता है, लर्नर्स की, वही आपको चुनना है। तो हमें अपना करेक्ट ऑप्शन तो यही मिल गया है कि एजुकेशन टेलीविज़न ऑडियो और विजुअल दोनों सेंसेस को डेवलप करता है, फैसिलिटेट करता है। ओके, देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना है और उसका आंसर कैसे करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया इज, इनमें से सबसे इफेक्टिव मीडिया कौन सा है, रेडियो है या फिर टेलीविजन है या दोनों है, ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है, तो आपको चुनना है। आपसे दोस्तों मोस्ट इफेक्टिव पूछा गया है, क्योंकि अगर रेडियो की बात करें, रेडियो इज ऑल्सो इफेक्टिव मीडिया, लेकिन जब हमें मोस्ट दे दिया गया है कि मोस्ट इफेक्टिव, सबसे इफेक्टिव कौन सा है इन सभी में, तो फिर हमको यहाँ पर एक चुनना होता है, होता है ना कि सबसे बढ़िया कौन सा है इनमें से, अच्छे तो सभी है लेकिन सबसे बेस्ट हमें ऑप्शन यहाँ पर चुनना है। तो मोस्ट इफेक्टिव मीडिया की अगर बात की गई है, टेलीविज़न सबसे अच्छा है, क्योंकि वो ऑडियो और विजुअल दोनों तरह की सेंसेस को भी फैसिलिटेट करता है। देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, जिसने भी टेलीविज़न बताया है आप सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन आर आस्क्ड आफ्टर, दोस्तों यहाँ पर आप आंसर तभी कर पाएंगे जब आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होगा। रिकैपिचुलेटरी इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि संक्षिप्त क्वेश्चन, ठीक है, कि जब आप कोई संक्षिप्त क्वेश्चन पूछते हैं, एक ही बार में सब कुछ बताने को कहते हैं, तो वो क्वेश्चन आप किसके बाद पूछते हैं, ठीक है, एक सेक्शन को पढ़ाने के बाद, किसी भी, अगर मान लिया आप एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आपको उसका संक्षिप्त में फिर क्वेश्चन करना है बच्चों से, ठीक है, कि इस पार्ट का संक्षिप्त रूप से वर्णन करें कि आपने इसमें क्या सीखा है, तो क्या आप वो क्वेश्चन बच्चों को उस चैप्टर का एक सेक्शन ख़त्म करके पूछ लेंगे कि बताइए आपने आज की इस पोएम से या आज की इस कहानी से क्या सीखा, या दो सेक्शन कंप्लीट करने के बाद, या फिर 3 सेक्शन कंप्लीट करने के बाद आप ये क्वेश्चन करेंगे, या फिर लास्ट सेक्शन को ख़त्म करने के बाद आप ये क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों जब क्वेश्चन में पूछा ही ये जाएगा कि आपने इससे क्या सीखा, बिल्कुल संक्षिप्त रूप से बताइए, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन अगर सबसे लास्ट में पूछा जाए चैप्टर को ख़त्म करने के बाद तो ये सही होगा। तो बिल्कुल सही आपने समझा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी लास्ट सेक्शन के बाद में आपने ये क्वेश्चन बच्चों से करना है कि बताइए आपने इस कहानी में क्या सीखा है, संक्षिप्त रूप में बताइए, ठीक है। तो देन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशंस डू नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर फ्री थिंकिंग, फ्री थिंकिंग की अपॉर्चुनिटी इनमें से कौन सा कंपोजिशन प्रोवाइड नहीं करता है, ये आपको यहाँ पर चुनना है। क्वेश्चन का मतलब समझिए, नहीं प्रोवाइड पूछा है, ठीक है, कभी आप जल्दीबाजी में गलत इसको करें तो चलिए आंसर कीजिए कौन सा सही होगा, ठीक है। दोस्तों अगर बात करें गाइडेड कंपोजिशन, यानी मतलब जो सामने वाला बता देता है बिल्कुल वैसा वैसा करना होता है, तो क्या उसमें आप फ्री होकर सोच सकेंगे, फ्री होकर अपना मन चाहे बातें उसमें कर सकेंगे या सोच सकेंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो हमारे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आगे भी देख सकते हैं, ठीक है। ओरल कंपोजिशन, ओरल में यानी किसी और से आपको यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन लेके नहीं करना है, अपने आप से करना है, तो आप फ्री है,
आप फ्री है, आप जो सोच सकते हैं उसको बोलिए, ठीक है। फ्री कंपोजिशन, इसमें तो बात ही फ्री की गई है तो ये तो पहले ही अलग हो जाएगा। देन रिटन कंपोजिशन, तो यहाँ भी आप मन में जो आता है फ्री होकर सोच सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। लेकिन जब बात करें गाइडेड कंपोजिशन की, तो इसका मतलब ये है जैसा सामने वाला बताए बिल्कुल वैसा वैसा करना है। यहाँ आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं उसमें फ्री होकर सोच सकते हैं। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जिसने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है बिल्कुल सही आपका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 57, ग्रामर इज टॉट बाय द मेथड। ग्रामर किस मेथड की हेल्प से सिखाया जाता है, बताया जाता है, बताइए आप सभी लोग। किस मेथड का यूज़ करते हैं हम, लेक्चर मेथड का, या इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड का, या फिर क्वेश्चनिंग आंसरिंग मेथड का, या नन ऑफ द अबोव। चलिए अब आंसर कीजिए विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास दोस्तों 3 सेकंड का समय है, ठीक है, बताइए सभी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों अगर बात करें प्रेरक निगमन विधि का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ग्रामर को पढ़ाने के लिए, यानी मतलब दूसरे दूसरे एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। तो ऐसा हम किस में करते हैं, ना तो क्वेश्चनिंग में ना ही लेक्चर में, ये मेथड हम अपनाते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में, ठीक है। इस मेथड को यूज़ करते हैं ग्रामर को सिखाने में, टोट करने में। अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर इज टोट बाय इंसिडेंटली। इंसिडेंटली अगर हमें ग्रामर पढ़ानी है तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इनमें से कौन सी अगर हम बात करें जो इंसिडेंटली पढ़ाई जाती है ग्रामर, वो कौन सी है, प्रेस्पेक्टिव या ट्रेडिशनल ग्रामर या फंक्शनल या थ्योरिटिकल ग्रामर, आपको बताना है, ठीक है, कौन सी होगी, कौन सा इसमें सही आंसर होगा वो आपको यहाँ पर चुनना होगा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करें जो आपको ऑप्शन नंबर सी दिया गया है फंक्शनल ग्रामर, इसका मतलब दोस्तों होता है कि कार्यात्मक व्याकरण, ठीक है, यानी कार्य करते करते आप कुछ सीख जाए तो उसे कहते हैं। और कार्य करते करते आपको नहीं पता होता कि कब आप सीख रहे हैं तो वो कैसा होता है, इंसिडेंटली होता है, ठीक है, कैसे होता है, इंसिडेंटली होता है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फंक्शनल ग्रामर, क्योंकि जो थ्योरेटिकल ग्रामर होती है वह भी पहले से डिसाइड होती है, ट्रेडिशनल ग्रामर भी और प्रस्पेक्टिव ग्रामर भी, उसको हम इंसिडेंटली नहीं सिखा सकते। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर लेज स्ट्रेस ऑन रूल्स, ठीक है, कौन सी इनमें से क्या बताया गया है कि स्ट्रेस डालती है ग्रामर्स के रूल्स पर। ट्रेडिशनल ग्रामर जब हम यूज़ करें वो ज़्यादा रूल्स पर फोकस करती है, या इंसिडेंटल ग्रामर, या फंक्शनल, या डिस्क्रिप्टिव। चलिए बताइए आप सभी लोग, आपके अकॉर्डिंग कौन सा ग्रामर इनमें से ऐसा है जिस पर रूल्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ट्रेडिशनल ग्रामर में हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा रूल्स पर फोकस करते हैं। जो ट्रेडिशनल ग्रामर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जिसने भी बताया है बिल्कुल सही आपका आंसर है, वेरी गुड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू व्हाट इज प्रोनंसिएशन रिलेटेड, ठीक है, इनमें से प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड रिलेट करता है किससे, वोकैबुलरी से, स्पीकिंग से, इंटोनेशन से, या ऑल ऑफ द अबोव। चलिए बताइए किससे रिलेट करता है। दोस्तों वोकैबुलरी की अगर बात करें उससे भी रिलेट करेगा प्रोनाउंसिएशन, है ना, करेगा ना, जब आपको सही सही वर्ड्स पता हो गए तभी आप उनको बोल पाएंगे। स्पीकिंग, तो स्पीकिंग से तो सीधा सीधा है क्योंकि उसमें करना क्या होता है, बोलना ही तो होता है। एंड देन थर्ड वन ऑप्शन इज इंटोनेशन। इंटोनेशन का मतलब दोस्तों होता है उतार चढ़ाव, किसमें, आवाज़ में, कि जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं, स्पीक करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो पिच होती है वो कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है। क्यों? क्योंकि हम किसी वर्ड पर ज़्यादा फोकस करते हैं और किसी पर कम, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन ये भी रिलेटेड होता है प्रोनाउंसिएशन से। सो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ऑप्शन सही है, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया क्यों, ठीक है, रीजन जानते हुए चलिए, आपको खुद ब खुद सभी चीजें समझ में आती रहेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज प्रोनंसिएशन इंक्लूड, इनमें से प्रोनंसिएशन में क्या इंक्लूड करते हैं हम,
फ्लुएंसी, ठीक है, यानी लगातार बोलना, और पोज बीच बीच में रुकना थोड़ी समय के लिए, रिदम, एक रिदम होना चाहिए बोलने में, एंड ऑल ऑफ द अबव. अब आप बताइए इनमें से कौन सा हमको सही ऑप्शन चुनना है, कौन सा सही होगा. क्या आप फ्लुएंसी का यूज़ करते हैं? हाँ करते तो है, फ्लुएंसी होनी चाहिए जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं, किसी लैंग्वेज का को स्पीक करते हैं. उसमें बीच बीच में पॉज भी होता है कि बीच बीच में उसमें हम थोड़ा सा विराम भी लेते हैं. देन रिदम भी होता है बोलने में. सो द ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट. ये तीनों सही है, तीनों ही होनी चाहिए प्रोनाउंसिएशन करते समय, फ्लुएंसी भी, पॉज भी, रिदम भी. ओके, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी होगा. अगला क्वेश्चन है, ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू. एक लैंग्वेज कैसे आप सीख सकते हैं? एक्सपोजर से, मोटिवेशन से, या रिपीटेशन से, या फिर ऑल ऑफ द अबव. अब आप बताइए कि आपको अगर एक लैंग्वेज सीखनी है कोई भी, आप उसको इनमें से किसके थ्रू सीख सकते हैं? कि अगर आप मोटिवेट हो गए तो क्या आप खुद ब खुद सीख जाएंगे? ठीक है, खाली खाली आपको मोटिवेशन मिलने से क्या आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं. कि भाई मोटिवेट तो होते रहिए, करिए कुछ मत, तो क्या कुछ हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो सकता. ठीक है, तो अगर बात करें एक्सपोजर यानी अनावरण, तो एक्सपोजर भी होना चाहिए कि जब तक हम उसको सीखेंगे नहीं, उसके इंट्रेक्शन में नहीं जाएंगे, तब तक हम उस लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे. एंड देन थर्ड वन इज़ रिपीटेशन, कि जो चीज़ हमें सीखनी है हमें उसका बार बार रिपीटेशन करना चाहिए, जिससे कि हम उसमें परफेक्ट हो सके. तभी तो बोलते हैं प्रैक्टिस मेन्स ए मैक, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. तो उसका मतलब वही है कि रिपीट करते रहिए तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी. तो इसका मतलब ये है कि हमें तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, ठीक है, उसको एक्वायर करने में. तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही इसका सही ऑप्शन होगा. बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा है. गाइस, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करें, बिना कहे कर दिया करिए, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो. ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर. अरे ये तो आधे क्वेश्चन ले रहे थे. तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी चूज करना है. अगले क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पर बढ़ेंगे. अगले क्वेश्चन में दोस्तों 2019 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. What are the two productive skill? ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो गया है. अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना था कि इनमें से सबसे प्रोडक्टिव स्किल कौन सा है, आप बताइए. तो हमने वहाँ पर दोस्तों क्या जाना था, स्पीकिंग और राइटिंग. इसमें तो जाना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन. ठीक है, वहाँ इससे पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था और वो साल 2016 में रिपीट हुआ था, और ये 2019, तो आपको पता चल गया कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं क्योंकि आपके सामने ही यहाँ पर एग्जाम्पल मिल भी गया है. ठीक है, तो स्पीकिंग और राइटिंग सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एम ऑफ टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी. दूसरी लैंग्वेज को सिखाने का ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है, एम कौन सा नहीं है. तो नहीं पूछा गया है तो बहुत ध्यान से इसका मतलब क्वेश्चन करना होगा. सबसे पहला है टू अंडरस्टैंड द स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन लैंग्वेज, तो ये तो एम होता है, इसलिए इसको तो हम आंसर नहीं करेंगे. ठीक है, ये तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा. तो फिर अगले क्वेश्चन, अगले ऑप्शन की तरफ बढ़े, टू रीड द लैंग्वेज विद कॉम्प्रिहेंसन, ये तो नहीं होता इसका एम. तो ये हो सकता है, अभी पहले एक बार और आगे देख लेते हैं. टू फॉरगेट द मदर टंग, ये भी दोस्तों नहीं होता एम सेकेंड लैंग्वेज को सिखाने का. ठीक है, देन डी ऑप्शन क्या है, टू राइट लैंग्वेज करेक्टली, तो ये भी इसका ऑप्शन सही है कि भाई लैंग्वेज को सही करेक्टली लिख सके. देन इन दोनों में से अब हमको चुनना है विच वन इज़ द करेक्ट, टू रीड लैंग्वेज विद कॉम्प्रिहेंसन, तो ये सही हो जाएगा एज कम्पेयर टू फॉरगेट द मदर टंग. इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी मदर टंग को भूल जाए. ठीक है, और अगर बात करें आपके मॉडल पेपर की, तो यहाँ पर इसका आंसर दोस्तों गलत दिया गया है. आपने ऑप्शन नंबर सी टिक करना है, यही एम नहीं होता है जो सेकेंड लैंग्वेज को सिखाने का, ये एम नहीं होता है कि आप अपनी मदर टंग को, मातृभाषा को भूल जाए. ठीक है, ये इसका एम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. देन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. अगर आपका, मैं आपको यहाँ पर टिक कर देती हूँ, जब मैं आपको ये पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करूँगी तो आपको बिल्कुल सही इसमें आंसर मिलेगा. ठीक है, देन इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. मैं इस पर ये मार्किंग वाली ही पीडीएफ आपको दे दूँगी.
ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच कंपोजिशन प्रोवाइड स्टूडेंट्स फॉर फ्री थिंकिंग. देन ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है. सॉरी गाइज रिपीटेशन के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, जितना रिपीट करेंगे उतना अच्छा भी है. आपको अगर ये क्वेश्चन आए तो आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 साल एग्जाम में रिपीट हो चुका है. यहाँ आपको बताना है कि कौन सा कंपोजिशन जो है स्टूडेंट्स को फ्री थिंकिंग करने के लिए आपको छोड़ देता है. तो फ्री कंपोजिशन होगा ऑब्वियसली, यही होना है इसका आंसर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, फ्री कंपोजिशन. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री. पोएट्री को टीच करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंजॉयमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, एप्रिसिएशन या ऑल ऑफ दीज. दोस्तों जब पोएट्री की बात आती है तो इंजॉयमेंट तो बिल्कुल होता है, देन कॉम्प्रिहेंशन भी और एप्रिसिएशन भी मिलता है पोएट्री से. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि हम सीधा सीधा समझ गए कि इसका तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये सभी ऑब्जेक्टिव है टीचिंग पोएट्री के. ठीक है, पोएट्री को टीच करने के ये सभी ऑब्जेक्टिव होते हैं. ठीक है, सो गाइज आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. सो गाइज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर सकूं और मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिल सके. ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए.